कोविड की महामारी जब आई तब लोग एकदम मतलब भयानक रूप से डर गए, तितर बितर हो गए और क्या करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। लोग ही लोग के पास खड़े हुए, लोग लोगों के मदद किया। कोविड से निकलने के बाद ये लोगों को लगने लगा कि भाई हमको तो थोड़ा और जानना चाहिए स्वास्थ्य के बारे में। पूरे रूप से किसी और के ऊपर निर्भरशील नहीं हो सकते, चाहे वो अस्पताल हो, सरकार हो, हमको खुद को थोड़ा समझना पड़ेगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, हमारा कैपेबिलिटी होना चाहिए। उसी से इस वर्कशॉप का सोच आया कि हमें खाली कोविड नहीं, हमारे हमें स्वास्थ्य के दूसरे मुद्दों पर भी हमें समझना चाहिए। वो बुनते रहे, पहनाते रहे। उनके हाथों जहां की हर शय बनी, खून बरसों बरस वो बहाते रहे। उनके पुरखों से लेकर बच्चों तलक अपने सपनों। तो माइनिंग एरिया में जितने भी हमारे गरीब या फिर पिछले परिवार हैं, उनको राशन प्रोवाइड किए, मेडिकल किट प्रोवाइड किए। सबसे बड़ी चीज जो मैंने कोविड से सीखा है या मैंने जाना है कि लोगों में डर आ गया था कोविड का नाम सुनते। पीपल आर डाइंग नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, बाय द फियर ऑफ कोविड। अभी जो सरकारी व्यवस्था है, हमारे जो समझ है, ये लोगों को मारने के लिए बहुत सारे व्यवस्था है, जो बचाने के लिए बहुत कम व्यवस्था था। सीखा बहुत, लेकिन फिर भी मुझे लगा कोविड एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। जब पॉलिटिक्स आता है, जब वोट आता है, तो कोविड नहीं है। कोरोना ने जो है ये सिखाया कि देखिए हमारा जीवन साझी विरासत का। रुपए भर भर के लोग जो है कि अस्पताल के सामने गए, लेकिन उन्होंने अपना जीवन जो है वो नहीं बचा। जिंदगी जब घरों में सिमट सी गई, उनके सैलाब सड़कों पे आते रहे। आप सबको जोहार। पिछले 22-23 सालों से मैं छत्तीसगढ़ में एक समुदाय के डॉक्टर के रूप में और अपने साथी लोगों के संग लोगों के स्वास्थ्य में, जन स्वास्थ्य में काम कैसे हो उस पर समझ बनाने की कोशिश करता रहा हूँ। और आप में से कुछ लोग मुझे वो जूम डॉक्टर के रूप में भी जानते हो। कोविड एक कल्पना नहीं है, कोविड का होना एक राजनीतिक मुद्दा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोविड हुआ, इसके बारे में गलत फहमियां चलती रही कि वो चीनियों ने कुछ करा, ये वो सब नाटक है। वो अगर हम 120 करोड़ लोग हैं, 10-15 करोड़ लोग हमारे देश में भर्ती भी हुए हैं अस्पतालों में, सरकारी आंकड़े कुछ भी कहना चाहे, तकरीबन 50-1 लाख लोग मरे हैं। हाँ, इसमें जो मृत्यु है ऐशा जी, ये मृत्यु सिर्फ कोरोना के कारण नहीं है, कोरोना के समय में जो और कारण से मृत्यु हुई उसकी भी इसमें गिनती है। इसके अलावा लोग ओवरऑल गरीब हुए, समाज में असमानता बढ़ी है। हमारे जो हेल्थ के सिस्टम है, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उस पर क्या असर पड़ा। सारे गांव में अगर कोई बड़ी बीमारी होती तो कहाँ जाते हैं, जिला। अगर उसी को कोरोना अस्पताल बना दो तो मरीज कहाँ जाए, बाकी मरीज कहाँ जाए। ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए, जो सबसे अनुभवी लोग हैं उन्होंने काम बंद कर दिया, और सबसे आगे जो सबसे कमजोर मतलब हमारे आशा वर्कर उनको सबसे आगे धकेल दिया। सारा प्राइवेट सेक्टर बंद हो गया था 6 महीने के लिए। उसके बाद जब उनको लगा कि इसमें तो पैसा है, तब वो आने लगे। लेकिन जो भी कुछ काम हुआ वो सरकारी सुविधाओं ने ही किया था। हमारे हमारे देश में कम से कम 5 करोड़ लोग शायद जो पैदल चले, इतना बड़ा अत्याचार तो शायद पिछले 200 साल में भी शायद किसी भी दुनिया के हिस्से में नहीं हुआ होगा। जब असमानता से ही बीमारी होती है, असमानता और गरीबी से बीमारी होती है, तो असमानता को समझ बनाना जरूरी है अगर हम स्वास्थ्य का काम करना चाहते हैं। छोटी बीमारी, अस्पताल की बीमारी की बात ही नहीं करता,
उसका ओपीडी लेवल पे ला लेता है। अगर आपके पास एक ऐसा स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो बीमारियां गंभीर नहीं है उसका इलाज और सबसे सस्ती और उपयोगी दवाओं से या लैब की जांचों के बाद करें, तो आप बहुत सारा खर्चा बचा सकते हो पूरे समाज। बहुत सारी बीमारियों में हम खर्चा करते हैं फालतू द्वारा, जिसमें जितने भी बिचौलिए होते हैं, चाहे वो केमिस्ट की दुकान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लैब वाला हो, वो पैसे निकालते हैं हमारी बीमारियों से निकालते हैं। जो लोग सोशल जस्टिस में काम करते हैं उनके जीवन में बहुत स्ट्रेस है, गरीबी के साथ गरीबी के बीच में काम करना, असमानता के बीच में काम करना, दमन के बीच में काम करना आसान नहीं होता। खाना टाइम पे नहीं मिलता, दिन में एक बार खाया और हमें से कोई मतलब जेल चले गए इसी कारण लड़ाई में होता है, तो उसमें जो बाकी परिवार का हाल होता है, खाने पीने की भी कमी होती है, पैसे की भी कमी होती है, और हम ही नहीं हमारे परिवारों की किसी को कोई अगर मैंने दवा दी किसी ने पैरासिटामोल मान लेते हो, हम आमतौर पर घर में खा लेते हैं, अगर हेल्थ वर्कर दे और उसको कोई परेशानी आ गई तो फिर कोई आएगा उसमें कौन दवा देता है, उसके पास क्या सर्टिफिकेट है, इसके बारे में जब हम बात सोचते हैं तो कुछ मन में सवाल आते हैं। तो I'm doing the survey in four areas. Okay. So then I have quantitative and one of others. So they are not allowing me to do all these things. There are guidelines. एक कानून है उसका नाम है Drugs and Cosmetics Act. अलग अलग शेड्यूल होते हैं कौन सी दवाइयाँ कौन सो करते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो उसके स्पेशलिस्ट उपयोग करते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो उसके डॉक्टर उपयोग करते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, कोई भी दे सकते हैं। आप आशा कितनी दवाइयाँ रखती हैं करीबन 10 के करीब बताएंगे उनके पास 35 दवाइयाँ हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास जो उन्होंने बिलासपुर में ट्रेन किए उनके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती। लेकिन एक और नियम एक कानून है जिसका नाम होता है कि वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे साथ मेरे 10 कार्यकर्ता कोई दवा देते हैं तो उनकी ट्रेनिंग की और उनकी जो गुणवत्ता है उसका प्रमाण मुझे दे देते हैं अपने आप, और उनके पास एक सर्टिफिकेट लाइसेंस है कि वो दवा दे रही है, तो अगर कोई परेशानी होती है या कोई फायदा होता है वो मेरे नाम पे। जैसे महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक डॉक्टर को एलोपैथिक दवाइयाँ अलाउड है, क्यों वेदर्श है ना अलाउड है ना, बिजनेस को लेकर तो बहुत कंसर्न कर रहे थे, तो इसके अलावा भी पेस है जिसमें हम लोग हेल्थ में काम कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि हेल्थ में काम करते मतलब तो अलग अलग तरीके भी है उसके ऊपर हम लोग सोच सकते। और आप ये बात मैं आप मेरी बात को आप स्टैम्प पेपर पे लिख लो कि खर्चे बचते कम्युनिटी के खर्चे बचे इसमें कोई शक ही नहीं है, बचेंगे नहीं पर गरीब होने से बच जाए गरीब होने से बचेंगे तो कर्जा नहीं लेंगे लोग मुर्गी नहीं बेचेंगे अपनी अपना घेरा नहीं भरेंगे शरीर भी मजबूत रहे और सेल्फ हेल्प ग्रुप का पैसा ही बच जाएगा। तो स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी व्यक्ति कभी न कभी कोई परिवार में बीमार होता है, तो मुझे लगता है कि मुद्दा जो है वो जनरल है और जनरल मुद्दा होने के नाते गांव के सभी लोग इसके साथ जुड़ेंगे। जरूरत है थोड़ा सा गांव में जाके लोगों के बीच इस मुद्दे पे और अधिक सघनता से काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ से बहुत तगड़ी टीम आई हुई है, प्रफुल्ल भाई है, संतोष जी है और योगेश जैन है, तो वो हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंज था कि कम पढ़े लिखे महिला को हम दवाई के बारे में कैसे सिखाएंगे। चित्र वाली इस तरह से ये डॉक्टर वसु ने लाया इसको, तो हमने बोला कि पैरासीटामॉल को कैसे पहचानेंगे, तो पैरासीटामॉल को लोगों ने बोला कि इसको हम पैरा के नाम से पहचान ले। पैरा मतलब होता है जो धान का जो कटा हुआ जो हिस्सा है पैरा, पैरा यहाँ तक चित्र बना देंगे कोने में तो हम पहचान लेंगे कि पैरासीटामॉल का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। वो इस्त्री करने वाले को हम आयरन बोलते हैं और उनको बोला कि इसको घर में ऐसे चिपका लीजिए, तो बार बार देख के वो अपना चार्ट जो है वो याद रख लिए। और जब एक महिला को आप कार्यकर्ता बनाते हैं ना तो उनके घर के सब लोग कार्यकर्ता बन जाते हैं,
पैरासीटामॉल के बारे में हमने सिखाया, तो महिला पैरासीटामॉल सीखी, बच्चे सीख गए, उनके पति सीख गए पैरासीटामॉल को पहचानना और दवा देना और खुराक को देना। गांव वालों को बोलना चाहिए कि आप 3-4 लोगों का चयन करिए, उनको बातचीत करके देखेंगे कि इसमें कार्यकर्ता बनने के लायक कौन है। सवाल ये है कि जैसे आप बोल रहे हैं क्या मेडिसिन को पहचान आप जैसे देते हैं कि ये पैरासिटामोल है, उसको जो उसको जो जिस चीज को पहचान है उसका ऊपर आप लिख देते पैरा पैरासिटामोल। ये एक बार की ट्रेनिंग में बात नहीं बनेगी, इसको बार 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 हर ट्रेनिंग में उनको पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है और उनको पता होना पता भी रहता है कि जो दवा मुझे मिली है वो दवा सिर्फ मैं ही उपयोग कर सकती हूँ, मैं नहीं हूँ तो मेरे घर के लोग उस दवा को इस तरह से कोई भी किसी को नहीं दे सकते। दवा तो सिर्फ जो जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वही दे सकते, तो उसके लिए शासन लिखा हो और वो ट्रेनिंग में आपको एक बार नहीं 100 बार वो उस बात पर घुराना पड़ता है। शुरुआत स्वास्थ्य के काम से हुई लेकिन बाद में और भी क्या सामाजिक कार्य हुआ स्वास्थ्य के साथ साथ जुड़े डॉक्टर्स को? कई लोग पहले लड़ाई का काम करते हैं फिर बाद में स्वास्थ्य का काम ले आते हैं जो उस तरह का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले स्वास्थ्य का काम किया उसके बाद कुछ चीजों में लड़ाई का काम चालू। गाँव में एक और बीमारी है जादू टोना भूत प्रेत वाली, कुछ कुछ बीमारियों में अभी भी जादू टोना मानते हैं। किसी बच्चे को निमोनिया हो गया और उस परिवार वो परिवार गांव से थोड़ा दूर में है तो हेल्थ वर्कर के पास भी आएगी और झाड़फूंक भी कराएगी। आपके हेल्थ प्रोग्राम में या जो सोच रहा है हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, क्या एक डॉक्टर होना उसमें बहुत जरूरी है या नहीं? नहीं जरूरी है, है तो उसके क्या आपके फायदे हैं या नहीं है तो फिर क्या मुश्किलें हैं? 8-10 परेशानी है, उन चीजों के लिए अगर हम हेल्थ वर्कर को अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं तो डॉक्टर या नर्सेस की जरूरत नहीं। जब तक कि कोई गंभीर परेशानी नहीं, अगर कोई गंभीर परेशानी है उसके लिए बड़ा हॉस्पिटल की जरूरत है तो एक डॉक्टर सेंटर होना चाहिए आसपास में। जब से मैं सीखी हूँ उसके बाद से मैं खुद अस्पताल को अप्रोच नहीं, जब भर्ती करने लायक है, ऑपरेशन करने लायक है, जो मुंह से खा भी नहीं सक रहा है, जिसको वाटर की जरूरत है, तब जरूरत है। मैं बोलूंगा कि डॉक्टर की जरूरत है, भले ही आपके संस्था में ना हो, दूर बैठे हो, और जो आपके हेल्थ वर्कर की अगर कोई दिक्कत है तो उनसे फोन पे कांटेक्ट रहे। डॉक्टर योगेश हमारे साथ थे लेकिन एक डॉक्टर के रूप में कौन थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ गांव घूमने में गांव में रहने में ज्यादा। जैसे आप जो हेल्थ वर्कर बना रहे हैं तो ऑलरेडी सरकार का वहां पे एक आदमी दो आदमी है NMBN, तो क्या उनका क्या भूमिका है? उनकी ज्यादातर भूमिका है वैक्सीनेशन के लिए लेके आना, कोई मरीज मिल गए तो उनको रेफर करना, उनका ट्रीटमेंट CSC PSC में लेकर के चालू करवाना। जैसे कि मलेरिया है तो मलेरिया में कैल्सिफेरम मलेरिया है, वायरस मलेरिया है, कैल्सिफेरम मलेरिया का दवा पूरा खिलाने के लिए उनको 25 रुपए मिलता है, वायरस की जो मलेरिया है उसमें उनको 14 दिन दवा खिलाना है तो उसमें उनका इंसेंटिव 75 रुपए है। तो आप सोचो कि वो वायरस मलेरिया देगी कि कैल्सिफेरम मलेरिया देगी अगर मलेरिया निकलेगा। और NM की बात है तो ज्यादातर वो डिलीवरी वाले काम पे और माता और शिशु के सुरक्षा और टीकाकरण में काम है। तो अगर और एक और हेल्थ वर्कर है तो उनको सपोर्ट ही मिलेगा NM को। NM और आशा वर्कर दोनों का सीखने का करने का अलग लिमिटेशन है। जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उसको ठीक करना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म नहीं जा रहे, हम शॉर्ट टर्म जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म वो है उसके पास बड़ा संसाधन भी है। अगर कमेटी कोई गांव में मजबूत हो जाती है तो उसमें भी हम लोगों को उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कोविड के टाइम पे ये हम लोगों ने कई जगह पे देखा। महिलाओं का जो हेल्थ महिलाओं के हेल्थ पे स्पेशली जो पीरियड्स होते हैं तो फिर उस पे आप लोग मतलब कोई ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं महिलाओं के हेल्थ पे? जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम का, जो महिला हेल्थ वर्कर होती है ना
जिसका रिश्ता ऐसे हो जाता है उस घर के फैमिली मेंबर के। शुरुआत में आप गांव में जाएंगे ना, एक पुरुष या किसी भी महिला से या लड़की से ये बात नहीं निकलवा सकता, उसको क्या परेशानी है क्या दिक्कत है। सुई लगाने के लिए कोई आते हैं तो वो साड़ी नहीं खोलना, साड़ी के ऊपर से लगा सुई को। आप प्रभु को इतना दिन हो गए काम करते उस एरिया में, अभी प्रभु जाके बात करेंगे तो अंडा भी बात करेगी, किशोरी की बात का भी बात करेगी, इतना अच्छा रिश्ता है। परिवार में किसी बच्ची को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज या स्कूल में सेक्सुअल हरासमेंट, ऐसे इश्यूज को, वायलेंस वाले इश्यूज को भी आप लोग क्या एड्रेस करते हैं? जी, उसमें सभी हेल्थ वर्कर्स इस मुद्दों को ले पाई हूँ और सारे मुद्दों को ले पाई हूँ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप मुझे लगता है कि अगर आप इस ऐसे स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेंगे तो आप इस मुद्दे को शायद बहुत जल्दी लें और आप सफल भी। मैं तो कहूँगा कि कॉमरेड शकर बोहरा नियोगी की जो बात हुई, कोई भी काम में जन आधारित काम में संघर्ष और निर्माण दोनों की जरूरत है। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के काम में भी सेवा और संघर्ष दोनों लगेंगे। एक क्रॉस लर्निंग हो पाया है और अलग अलग ग्रुप्स के थोड़े थोड़े अलग प्रायोरिटीज होंगे, अलग केपेबिलिटीज होंगे। बीमारियां कैसी होती है, क्यों होती है बीमारियां, उसके केवल मात्र साइंटिफिक कारण नहीं, बायोलॉजिकल कारण नहीं, उसके सामाजिक कारण क्या हैं? देखा जाता है भारत में ज्यादातर आदिवासियों में सबसे ज्यादा टीबी का प्रकोप है, तो ये क्यों है? स्वास्थ्य का ये जो चिंतन है ये हमारे परिव्यू में लाना बहुत जरूरी है। निज गाउली जीवना हे सुना भाई गण ई कारण भगुआ छु ओ काल मरण हे सुना भाई गण निज गाउली जीवना हे। टीबी रोग एक वायरस है, वायरस हमारे शरीर में सांस के द्वारा प्रवेश करते हैं और खून बलगम कमजोर व्यक्ति को जल्दी होते हैं। जिस व्यक्ति को पहले मलेरिया हो चुके हैं, अगर उस व्यक्ति मलेरिया को जड़ से नहीं मिटाते हैं तो वो बाद में कमजोर हो जाते हैं और वो टीबी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। के साथ खांसी लगते रहेगा तो आपके साथ ब्लड है, और खाना काफी मात्रा में तो वहाँ ये जितने भी लोग को डील होता है तो कम से कम 70-80% लोगों में जब भी हम किसी को कुछ बताते हैं तो उसका एक रूप और उसके कारण बताने की कोशिश करते हैं, बट मोटे तौर पे जो आज हम लोगों ने बात की, अधिकांश लोगों ने फोकस किया उसके फिनोटाइप पर, कैसे दिखता है, खून खांसी में आया है, एक से दूसरे को फैल रहा है, इसकी जांच एक्सरे से होती है ना इत्यादि, वो जरूरी है। ये जो शब्द है बड़ा बोझिल शब्द, पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली है कि कारणों के कारण क्या है। टीबी कम खाने से होता है, लेकिन कम खाने से होता है, किसी के पास खाना कम क्यों है, किसी के पास ज्यादा क्यों है? और ये तो एक उदाहरण के रूप में हम टीबी की बात कर रहे हैं, हम इसको किसी भी रूप में ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी को सिलिकोसिस हुई, उसका पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? क्या सिर्फ यही है कि वो खदान में जाते हैं और वहां पर ध्यान नहीं रखा जाता, उनको मास्क नहीं रहता, उसके पीछे और क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो हमको कारणों के कारण समझने की भी आवश्यकता है। क्या किसी कुछ लोगों को ये हमारी गलत
लेबर नीतियों की वजह से लोगों को टीबी होता है, तो क्या वो बताना नहीं चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बोला कि 2035 तक हम ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करेंगे, मतलब टीबी होगी नहीं, दुनिया से हटा देंगे। और हमारा प्रोग्राम कुछ प्रोग्रामों से थोड़ा अच्छा है, लेकिन अभी भी वो असफल प्रोग्राम की परिभाषा में आएगा, ना तो वो लोगों की बीमारी को पकड़ पा रहा है, पकड़ना चाहिए, हमारी पकड़ लेता है उसका इलाज नहीं कर पाता, और जिनका इलाज हो जाता है उनका दोबारा बीमारी होने का या उनका वो जीवन वापिस आ गया पटरी पर, उसके लिए कोशिश नहीं करता पता करने की। आपने ये शब्द सुना डॉट्स, कई वेरी वेरी बायोमेडिकल, तो सभी टीवी के मरीजों को देखा गया, तो 55% जो टीवी हिंदुस्तान में थी वो हानिकम, जब शक्कर की बीमारी डायबिटीज की बीमारी हिंदुस्तान में 9%, अल्कोहल का 3-4% है, HIV का हमारे हिंदुस्तान में 1.5%, 10 साल वो चला, लेकिन उससे बीमारी की जो अनुपात था बिल्कुल कम नहीं। तक ये था कि टीबी की बीमारी अभाव की बीमारी है, अन्याय की बीमारी और गरीबी की बीमारी है, उससे अचानक 1900 में गाड़ी पलटी और तो हो गई एक बैक्टीरिया की बीमारी। ये इसको क्या है इमेजिन कर सकते हैं कि ये बीमारी एक शारीरिक रूप है अभाव, इसको ये नहीं कहना कि कोई टीबी होने के कारण गरीब हो जाता है, वो तो होता ही है, लेकिन ये कोई व्यक्ति जो जिसको अभाव में रह रहा है, उसको अभाव की स्थिति में यदि आप सिर्फ उसका मेडिकल रूप से इलाज करते रहेंगे तो भी, या उसको पहचान करते रहेंगे तो उससे नहीं बनेगा, तो आपको अभाव की इकोनॉमी समझनी पड़ेगी, क्यों लोग कुछ लोग अभाव में है कुछ लोग विलास में है। एजेंट जो बीमारी करने वाला कारक, वो हो सकता है कि हमारे अनुवांशिक बीमारी हमारा जीन हो सकता है, और एक है वातावरण जिस स्थिति में वो बीमारी, मतलब आपके घर में किसी को टीबी है, आपके घर का साइज क्या है, कितने लोग, कितनी हवा आपको रोज की मिलती है, आमतौर पे जो डॉक्टर लोग बोलते हैं उनके मुताबिक एजेंट या एनवायरमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो निर्भर करती है होस्ट पर, जिस व्यक्ति को उसका पोषण स्तर क्या है, उसके पास नौकरी है या नहीं है, वो कहाँ रहती है कहाँ रहता है। लुई पास्टर नाम के केमिस्ट एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोल रहा है, जो बीज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मिट्टी है ना वो इम्पोर्टेंट है, किस शरीर में हो रही बीमारी वो निर्धारित करती है कि बीमारी कैसे बनेगी, कैसे उसका अंश होगा, कैसे परिणाम मिलेगा। अगर आपके समाज में, आपकी समुदाय में असमानता है और अभाव है तो टीबी होगी कोई, आप ये मान के चलो। इसके बाद कुछ हुआ जिसको हम बोलते हैं आजकल सोशल डिटरमिनेंट, आपका सोशल क्लास क्या है, सामाजिक कारणों से पहले एक और कारण है ढांचागत कारण, स्ट्रक्चरल रीजंस। आदिवासी महिला खासतौर पर पीवीडीजी ग्रुप की, उसका छत्तीसगढ़ के किसी गांव में 30 साल की है, उसका वजन 38 या 39 किलो है और वो घर में ही चूल्हे में खाना बनाती है, उसका चांस दिल्ली में बैठी हुई कोई महिला या न्यूयॉर्क में बैठी हुई या लंदन में बैठी हुई महिला से 300 गुना ज्यादा खतरा है उसका मरने का। स्टिग्मा भी है, ये कोई कंपटीशन नहीं है इन कारणों में, ये सबको जोड़ रहे हैं, ये राजनीतिक कारण, हम इसको नहीं नजरअंदाज करते। जो हमारे देश में अभी मतलब जो घटिया माहौल मजहबी लड़ियों पर बनाया जा रहा है, उसका क्या लगता है टीवी से रिश्ता नहीं, सीधा रिश्ता है सीधा। वैज्ञानिकों को बहुत अच्छा लगता है कि कोई ना तकनीक दिखा दो, हमारे देश में जिस चीज को टीबी निकल रहा है उसकी उसके सारे जंतुओं की जांच करो, उसके जंतु है उसमें कौन सी दवा काम करेगी कौन सी नहीं करेगी, 15 दवाइयों की जांच करो, ये फरमान आ चुका है। जब आप डॉक्टरों के हाथ में साइंटिस्ट के हाथ में आप टीबी जैसी सामाजिक बीमारी का कंट्रोल का और एलिमिनेशन की बात को उनके हाथ में संभाल लेते। टीबी का कीटाणु जैसे सर बोले कि सबका बॉडी में होता ही है, अगर कमजोर बॉडी है तो उसमें उसका कीटाणु ज्यादा जल्दी असर करता है, मतलब कारणों का कारण होना चाहिए टीबी क्यों हो रहा है। जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो सिर्फ फैक्ट्री में काम करने से ही नहीं होता है, उसका खान पान, उसका बैकग्राउंड अच्छा से खान पान नहीं होगा तो उसमें भी इम्यूनिटी नहीं होगा तो
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर अलग किस्म के स्पेशलिस्ट भी होते हैं। अभी तक भारत सरकार ने बोला जरूर है कि हम सबको यूनिवर्सल हेल्थ केयर देंगे, लेकिन इसको इसका क्रियान्वयन नहीं। तो अगर हम सिर्फ दवाइयां और जांचें भी निशुल्क रूप से उपलब्ध करा दें हमारे पूरे सरकारी तंत्र में, तो हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ की तरफ हम पहुंच सकते हैं। और मैं दो राज्यों की इसमें जिक्र करना चाहूंगा, तमिलनाडु में, ऐसा तमिलनाडु इनके यहाँ पर सारी दवाइयां सब सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क, और अब से नहीं, अब से 20 साल से दवाइयां मिल रही हैं निःशुल्क। कुछ संभावना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है उसमें ये अनिवार्य होता है कि दो एनजीओ या दो जन संगठन उसमें इसके हिस्से बने। हाँ, कई बार नजरअंदाज कर देंगे, कई बार जो मीटिंग के मिनट बनते हैं उसमें केस चलता है, राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ के अंडर ही कुछ लोगों ने केस जीते हैं राइट टू हेल्थ में। और BHC में आपको क्या सुविधा मिलेगी, CHC में क्या मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में क्या मिलेगा, ये जानना भी मतलब ये एकदम बुनियादी तौर पे आम लोगों को ये जानना और अवगत कराना। राइट टू हेल्थ पे अभी कम्युनिटी डिमांड नहीं, लेकिन जब तक कम्युनिटी डिमांड राइट टू हेल्थ का नहीं आएगा और समझ नहीं आएगा तो मिल भी जाए तो उसका क्या असर होगा और हम कहाँ इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, ये भी शायद सोच रहे। वो किसी ने वो थाईलैंड में बोला था, थाईलैंड एक देश है जो आज से 40 साल पहले उतना ही ग्रामीण था जितना हिंदुस्तान। एक तो है कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर देना कैसे है उसके मतलब जानकारी, डॉक्टर चाहिए, दवा चाहिए वगैरह। दूसरा था कि पॉलिटिकल कमिटमेंट था, और वहाँ पर एक सरकार इसी बात पे बनी कि वो सबको यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे। सप्लाई साइड से नहीं होगा कि अरे मैं दे रहा हूँ सबको, मतलब राष्ट्र का जो रोल है वो पिछले कुछ सालों में काफी बदल गया है। मतलब राष्ट्र को हमारे चिंतन के केंद्र में रख के काम करेंगे या तो समुदाय को अपने चिंतन के केंद्र में रख के काम करेंगे। समुदाय को अगर हम चिंतन में हमारे चिंतन का केंद्र बनाए, उससे अगर राष्ट्र के ऊपर दबाव आए और राष्ट्र उस पर उससे प्रभावित होकर काम करे, वो एक तरीका है। मैं इसमें कहना चाहूंगा अभी जो जितने लोग इकट्ठे हैं हम शायद कई महीनों या कई सालों में एक बार मिले, तो हम अभी कोई एक जीवंत कोई फेडरेशन भी नहीं है। तो मैं अभी ज्यादा उत्साहित नहीं हूँ कि हम कोई बड़ा कैंपेन कर पाने की स्थिति में AID के माध्यम से। नहीं, हमें अगर मेरे को लगता है हम अगर तैयार हो लंबे दौर के लिए, ग्राउंड में एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है ट्रस्ट, मतलब कम्युनिटी ऑलरेडी उनको ट्रस्ट करती है। बरगढ़ जिले में कैंसर हो रही, क्यों बोल रहा है? तो कैंसर आ रहा है इसीलिए कैंसर हो हॉस्पिटलों का, तो कैंसर को नहीं होना चाहिए इसलिए कुछ व्यवस्था नहीं है, तो कैंसर हॉस्पिटल होने के पेशेंट बढ़ाने के लिए लोगों का बड़ा भारी योजना हो गया। तो अभी जो हेल्थ के बारे में जो कुछ एक्ट आना चाहिए, अधिकार का बात तो हमको हासिल करना चाहिए, तो फिर एकजुट होकर मिलित रूप में हम लोग कहीं से शुरू करना होगा, यही बहुत जरूरी है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम है जो अभी है, जैसे आशा है या PHC में CHC है, तो हम तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। अगर आपको पता हो कि MBBS का 4.5 साल और 1 साल 5.5 साल का जो ट्रेनिंग होता है उसमें वो पहले 1-1.5 साल पहले 2 साल वो सीखते हैं हड्डी का ढांचा, मतलब अस्थि पिंजर, और उसमें फिर उसमें फिजियोलॉजी शरीर के अंदर का हिस्सा, वो उसके बारे में सीखते हैं, और फिर
वो मरीजों से बात अंत में एक रूप से अंदर से बाहर मतलब देखकर आप सीखते हो पहले उसके बाद आप उसके घटक के हिस्से में जाते हो। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो पहली बार सीख रहे हैं उनका तरीका अलग होगा बाहर से अंदर से। हम व्यक्ति से उसके लक्षण और लक्षण से उसकी बीमारी और फिर बीमारी से उसका कारण बीमारी का हम ये तरीका उपयोग करेंगे हमारे अपने कार्यकर्ता। तो यही बात है कि हम बीमारी को पहचानते कैसे अगर बीमारियां जो होती रहती है जैसे कोई कोई मिसाल देंगे जिसमें आप देख कर ही पहचान जाता है कि बीमारी उसके बिल्कुल गाल धंसे हुए हैं हड्डियों में हर 80 मीटर देख रहा तो कहेंगे ये अत्यधिक कुपोषण है इसके बारे में सोचना नहीं। फिर मैं गया किसी डॉक्टर के पास उसने फिर जांच करके देखा अरे मुझे तो बुखार है और बुखार का कारण शायद डेंगू है। तो उसने कहा हाँ आपका जो सरदर्द था वो उसकी पहचान करने में हमको पता चला कि आपको डेंगू की बीमारी और ये चुनौती है क्योंकि कई बार लक्षण नहीं होते बीमारी की थी। कुछ महिलाओं में जचकी के बाद सूजन आ जाती है जचकी के बाद नसों की तन के और वो पूरा जीवन उनका ऐसे चलते। फिर आप सवाल पूछते इसको हम हिस्ट्री बोलते हैं जांच में आज ही गर्भ लगा है बात या हमेशा से कर रहा था एक महीने से कर रहा था या इसने दारू पी थी अभी 4-5 घंटे पहले उसके बाद हम जांच करते हैं शारीरिक जांच जो जरूरी जांचें हैं चाहे दाढ़ी छूना है चाहे बीपी लेना है चाहे वो पेट नमर के देखना है या आला से छाती देखनी है इसको इससे में बुखार है इसकी जांच पे तिल्ली बड़ी हुई है उनकी जांच करी तो उसमें मलेरिया का जंतु दिखा और मेरे अनुमान से इनको मलेरिया है मलेरिया जो अभी गंभीर नहीं है से वो ठीक हो गए तो आप कहोगे कि आपका डायग्नोसिस ठीक था। तो ये समझने की भी आवश्यकता है करना तो है मुझे लगा हेल्थ पर काम क्योंकि बीमारी होने ही नहीं देंगे हम जे हॉस्पिटल वो कितने सिस्टम है गवर्नमेंट का OCMH BOMH उसके बाद और भी नहीं फिर भी बहुत बीमार है फिर भी ऐसे ही मर रही है। पता कैसे चलते नहीं कि इसको बुखार यहाँ पे हाथ लगा के देखिए है क्या गर्म तो बुखार है आपको और थर्मामीटर कैसे उपयोग करना है नहीं तो हो सकता है कि कोई बेहोश है और मुंह पे लगा दिया तो वो साड़ गया तो और है ना तो डिजिटल थर्मामीटर उपयोग करेंगे तो पढ़ने की दिक्कत तो ये एक नॉर्मल रेंज है यहाँ से यहाँ तक का एक नॉर्मल रेंज है कार्यकर्ता को सिखाते हैं कि अगर जो पारा है उसमें दिखे पीली वाली जो लाइन है उसमें देखना है और यहाँ पर अगर पारा दिखे तो वो नॉर्मल है बुखार नहीं तो बुखार उतारने के लिए क्या तरीके है ऐसे कभी होता है कि गोली खा लिया पैरासीटामोल और बुखार नहीं उतरा ये कार्यकर्ता को सिखाएंगे कि पोछा करना है और जहाँ जहाँ पे ज्यादा गर्म है शरीर वहाँ पे कच्चे कपड़े से ठंडा कपड़े से पोछा करना है। बुखार के साथ अगर कोई और लक्षण है तो पेशाब का जांच करा सकते हैं और डायग्नोस्टिक किट आ गया सभी तरह के डेंगू में भी आप किट का उपयोग कर सकते हैं। कुछ जांच करने के बाद कुछ और उपाय का जांच करने के लिए थोड़ा सा अस्पताल के लेवल पर जाते हैं जिसमें छाती के एक्सरे और दूसरी तरह का और जांच कर सकते हैं। ये प्रफुल्ल जितना बोल रहे हैं इस हर शब्द के पीछे बहुत लंबा अनुभव है तो आप ये वेटेज हमको देना पड़ेगा ये खाली शब्द नहीं है बहुत लोगों का जीवन है इसके पीछे बहुत लोगों का काम है और प्रफुल्ल का भी बहुत
बहुत डीप अनुभव है, एक्सपीरियंस रहा है। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बढ़िया के लिए। हम और जा रहे हैं, अब करना क्या है इस तरफ कि अगर हम स्वास्थ्य का काम करें तो वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या चाहिए होगा, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो आप लोगों को बता दिया कौन से चार पांच क्वेश्चन बनाए हैं जिसको जिसको एक आधार लेकर आप आलोचना कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि बस इसी पर टिके रहना है कि क्या हम अपना एक ऐसा कुछ हेल्थ प्रोग्राम चलाना हमारे लिए आवश्यक है, हमें ये प्रोग्राम चलाना है, करना है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसको कौन चलाएगा, विशेष रूप में क्या करना चाहते हैं आप, गांव में लोगों को किस तरह से जोड़ेंगे। तो ये प्रोग्राम है, ये आप पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, मतलब, और फाइनली आप एक रफ एस्टिमेट बनाइए कि ये प्रोग्राम चलाने के लिए एक साल में क्या रिसोर्सेस लगेंगे। समग्र सेवा ग्रुप नंबर पांच टाइम कितने हैं इसको अभी से लेके 2 बजे तक बीच हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करें वो प्राइमरी गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट जो भी सीएमओ है वहाँ से एक साल का बजट 20,000 उस हिसाब से अगर छोटी एज का बंदा है तो उसको पूरी पूरी नहीं देनी आगे। एक बार हमारा रिलेशनशिप बन जाए नहीं तो एक साल का सब आ जाए दवाई ये तो हम थोड़ा अभी देखते हैं कि हम भी लोगों को कैसे इन्वॉल्व करते हैं चुनाव के बारे में तो सब वीडियो को पता होगा संसाधनों का अभाव है लेकिन हम मजबूत सोच वाले व्यक्ति हैं तो हमने सोचा कि हम अभाव में भी प्रभाव दें तो हमने जो सोचा है कि हम जमीनी स्तर पर महिलाओं और बच्चों के लिए जन जागरण का काम करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे हेल्थ वर्कर का चयन, बजट हमारे वित्त मंत्री पेश करेंगे। ओके तो बजट को लेकर जब हम बात करते हैं हम टोटल 12,00,000 का बजट किया है 1,00,000 एक वर्ष के लिए तो स्टार्ट कर रहे हैं बेसलाइन सर्वे से। हम सबका ग्रुप है 6-6 काम करने का एरिया है माइंड से इफेक्टेड एरिया में हम लोग काम करते हैं। माँ शिशु और किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर काम करेंगे। सेकंड पॉइंट है कार्यक्रम को शुरू करने के लिए करने की जिम्मेदारी संस्था की होगी। कार्यक्रम में गांव के लोगों को ही काम करने का मौका दिया जाए। फोर्थ में है स्वास्थ्य संबंधित सरकारी सुविधा के बारे में जागृत करेंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर को अपना उद्देश्य रखा है और उसके साथ साथ उस इलाके में जो मेजर इलनेस है उसको हम लोग फोकस में रखें। 3 तरीके से हम काम करना चाहते हैं, एक है सेवा और जो संघर्ष और निर्माण, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो है या एथनोग्राफी स्टडी और कुछ मेडिकल डिवाइसेस हम रखेंगे। सर्विस बेस पे काम करना चाहते हैं के साथ साथ सिर्फ सर्विस बेस पे नहीं तो ये राइट्स के बारे में भी बात करना चाहते हैं। महिला है बच्चे ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए और पुरुषों के लिए वो काम करना चाहते हैं। अपने काम के लिए हेल्थ इंचार्ज हेल्थ वर्कर्स आउटरीच स्टाफ और पीयर एजुकेटर्स चाहिए। हेल्थ वर्कर्स 6,500 रुपए महीना, आउटरीच वर्कर्स का 3,000 रुपए महीना, पीयर ग्रुप्स का 1,000 रुपए महीना। पूरे साल में 6 कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन का सोचा है और इसका कुल मिला के खर्चा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का 20,000 रुपए होगा। हेल्थ वर्कर्स के लिए साइकिल चाहिए, टाइम नहीं है तो हमारा पास हो गया। थैंक यू सो मच। तो ये काफी उस तौर से देखने से ये बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन सबका रहा। वापस जाके सबसे मिलकर बैठ के आपका यहाँ जो अनुभव रहा, जो दूसरों से सीखने को मिला, ये सब लेके आप अपने संगठन में बैठ के इसका
मतलब डिटेल आलोचना करके इसको आगे पढ़ाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ के इस पड़ाव पे वो हूँ, मैं कुछ उम्मीद घूमने आया था मध्य या पूर्व भारत में, जो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मार्जिनलाइजेशन का अभाव का जो एपिसेंटर है कर्नाटक होने के बावजूद भी, उसमें मुझे ये उम्मीद दोबारा जागी और मुझे लगता है कि हम व्यवहारिक रूप से कुछ लोगों की अभी कुछ और सोचने की आवश्यकता है। मैं तो बहुत उत्साहित होकर यहाँ से जाऊंगा वापस अभी, लेकिन इतना पता है कि स्वास्थ्य आसान नहीं है, उसमें मैंने पिछली बार उसमें बहुत उतार चढ़ाव दिया है इनके, और उसके लिए आप लोग तैयार रहने का है। आपको भी दो दिन का तो तालिशा करती निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सभी साथियों के लिए काफी उपयोगी और सीखने के लिए काफी अच्छा एक मंच था। हम लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं गाँवों में, पर जिस सघनता से जिस अनुभव आधारित चीजों को डॉक्टर योगेश जी ने हमारे साथ जो साझा किया, मुझे लगता है निश्चित रूप से उसका लाभ हमें अपने कार्य क्षेत्र में मिलने वाला है। मैं तमाम साथियों की ओर से योगेश जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतनी तन्मयता से मन से दो दिन हमारे साथ रख के और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया। मैं सभी दिन से देख पाते हैं। यही एक चीज है जो बाबा साहब ने हमें सबको एक हक के रूप में दी है, तो मैं संविधान की ये प्रस्तावना दादा को भेंट करना चाहती हूँ। ये भेंट सबके लिए है, ये सबके लिए है, निश्चित रूप से ये सबके लिए है, और ज्यादा जिम्मेदारी आपका ही। Thank you.